वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज किस वीडियो में देखने वाले हैं, देखो ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। वीर बहादुर सिंह, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है जो जौनपुर में है। तो आप देख सकते हैं जौनपुर यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था कल, जो बीकॉम वालों का फर्स्ट पेपर था, जिसे कह सकते हैं बीकॉम सेकेंडरी वालों का फर्स्ट पेपर था कंपनी लॉ का। ये 100 नंबर का पेपर था, 3 घंटे में सोल्यूशन करना था, पूरा की पूरा पेपर फंसा है, आप देख लेना। मैंने लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट दिए थे, जो 2022 में आने वाले क्वेश्चन वही पेपर में आए हैं, देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको प्रूफ हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि जो हमने क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में आए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वीडियो पहले इस वीडियो को देख लो पूरा, आपको दिख जाएगा कि जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वही आए हैं, उसके बाद में उस वीडियो को देख लेना। दोनों वीडियो आप देखोगे तो कंपेयर करोगे, खुद पता चल जाएगा कि सारे के सारा क्वेश्चन वही आए हैं जो हमने बताए हैं। अब आपको दिखा दूं और कितने परसेंटेज फंसी है, लास्ट तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन का रिव्यू करा रहा हूं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब यहाँ देखो व्हाट्सअप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है 7037327738 और 38, आप इस पर फोटो खींचकर भेजेंगे मुझे, जो भी आपका पेपर हो रहा है, जो भी आपका पेपर होगा या हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, तो उसको आप क्या करेंगे, फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे उस पेपर का, जो भी पेपर होगा, ताकि मैं उसका रिव्यू करके दिखा सकूं आपको, ठीक है। या फिर आप पीडीएफ बनाकर भी हमें सेंड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको दिक्कत हो रही है बनाने में, तो आप हमें सीधे फोटो खींचकर साफ करके क्लीन आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए खिंचा हुआ है, सारे फोटो क्लीन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, जो आपके सेक्शन नंबर ए में थे। अब सेक्शन नंबर ए में आपको 50 वर्ड में बोल रहा था, मतलब कि एक पेज होता है, एक पेज का आधा आंसर लिख दीजिए, आधे पेज में अभी आंसर लिख देते हैं तो 50 वर्ड का हो जाता है बड़े आराम से। अब यहाँ देखो कह रहा है सभी खंड आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के जो उत्तर दोगे वो 50 शब्दों में देना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 नंबर यदि आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, 20 नंबर के हो जाएंगे। ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूं। देखो ये पहला क्वेश्चन पूरा फंसा है, यहां कह रहा है अंश अधिपत्र से आप क्या समझते हैं, पूरा क्वेश्चन फंसा है 2 नंबर का, आप चेक कर लेना वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको विश्वास हो जाएगा कि अंश जो होता है, अंश अधिपत्र, ठीक है, वो क्या होता है, पूरा क्वेश्चन फंसा है। उसके बाद में नीचे देखिए, मैंने इस तरीके से क्वेश्चन दिया था आपको, अंश का अर्थ क्या होता है, उसके अधिपत्र के बारे में, और उसकी वापसी खरीद किस तरीके से करते हैं अंश की, ये बताया था। ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर किया थे, पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक कंपनी के संचालक की परिभाषा, आप जानते हैं मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि संचालक मंडल की शक्तियों के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है, तो वही आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी के जो संचालक होते हैं वो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। दूसरा क्वेश्चन व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, ठीक है, को स्पष्ट कीजिए कि व्यापार है उसको आप प्रारंभ कर रहे हैं, तो ठीक है, व्यापार को यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था, छोड़ दीजिए। उसके बाद में है देखो जो पार्षद कह सकते हैं अंतर नियमों पर आप क्या समझते हैं, पूरा अंतर नियम पार्षद अंतर नियम पूरे मैंने आपको इंपोर्टेंट दिए थे, 2 क्वेश्चन का 2 नंबर का पूरा फंसा है। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था वो इस तरीके से दिया था कि पार्षद सीमा नियम और उनकी सामग्री को याद कर लेना, साथ ही साथ मैंने आपसे किया पार्षद अंतर नियम और उनकी सामग्री को याद कर लेना, पूरा क्वेश्चन फंसा है, देख लीजिए। ये ऊपर से दूसरा क्वेश्चन होगा वीडियो में, ऊपर से दूसरा क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है आंतरिक प्रवर्धन से का सिद्धांत, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है, ये क्वेश्चन पूरा फंसा है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया कि आंतरिक प्रवर्धन का सिद्धांत को याद करके जाना, ये पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, पूरा फंसा है, देख लीजिए। उसके बाद में आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए, सबसे ऊपर वीडियो मिलेगी, ठीक है, आप अपने आप खुद देखेंगे और खुद एहसास करेंगे हाँ ये क्वेश्चन जो बताए थे वही पेपर में आए। आगे आप पेपर देने वाले हैं तो आप जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वही क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्थान पत्र जो विवेकीकरण से क्या आशय होता है, तो स्थान पत्र विवेकीकरण की बात की जाए तो मैंने ये क्वेश्चन आपको स्थानीयकरण वाला मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया था, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, लेकिन हाँ सुनो 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 एक जस्ट मोमेंट, जो यहाँ बोला गया है स्टेटमेंट की बात की गई है, तो यहाँ जो बात की गई है देखो जो है प्रविवरण की बात की गई है, तो मैंने ये कहा था आपसे कि कंपनी के प्रविवरण और उनके दोषों को याद करके जाना, तो यहाँ कंपनी के स्थान पत्र का मतलब होता है कंपनी के ही स्थान पत्र के विवरण के बारे में आज से पूछा है, ये क्वेश्चन भी आपका फंसा है, गलत नहीं है। पहले सबसे ऊपर वीडियो में देखा होगा, सबसे पहले जो वीडियो आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये दे रखा कंपनी की परिभाषा, उसकी अर्थ के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, और प्रकार मैंने बताया था निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी दोनों को याद करके जाना, और साथ ही साथ आपको बताया कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है, प्रवर्तक कार्य क्या होते हैं और प्रवीकरण क्या होता है कंपनी का, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है। अब देखो अंशधारी और मैंने आपको देखो ऋण पत्रधारी तो दिया था लेकिन अंशधारी नहीं दिया था, तो आप यहाँ एक नंबर पा सकते हैं यदि आप अंशधारी ऋण पत्रधारी करके आए होंगे तो। दूसरे की बात करें कार्यवाही संख्याओं का, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं दिया था, और
अनियमित आवंटन, ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया था। तो यहां यदि नोट की जाए तो देखो एक क्वेश्चन फंसा है, उसके बाद में ये दो क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है, दो और एक तीन, एक चार, देख लीजिए, चार और एक पांच, इसको भी छोड़ देते हैं, पांच और एक छह, छह क्वेश्चन फंसे हैं, और छह इंटू टू बराबर बारह, बारह नंबर के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फंसे हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चनों में आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे लघु उत्तरीवर्तन बोला जाता है, ये 200 वर्ड में है, 200 वर्ड में आप देख सकते हैं, ये पांच पांच क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 50 नंबर के हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 10 नंबर के हिसाब से पांच क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए। अब आपको जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, लघु उत्तरीवर्तन पूछे गए, वो 50 नंबर के पूछे गए, आपको 200 वर्ड में आंसर देना है। अब 200 वर्ड का मतलब ये होगा एक पेज इधर से, एक पेज उधर से, और लगभग मतलब कि आपको डेढ़ पेज भरना है, मतलब कि एक पेज, जैसे कि आप मान लीजिए ये पेज है, ये पेज है एक आपका, ये पेज पूरा पेज है, आपने इसको यहां से लिखना स्टार्ट किया और इसको पलटा, जब इस पार पलटेंगे आप इस साइड में लिखा, ठीक है, और जो यहाँ तो खाली होगा, फिर इसका आधा और भर दीजिए, यहाँ इतना इतना लिख दीजिए बस, उसके बाद में छोड़ दीजिए। आप इतना कर देंगे, एक डेढ़ डेढ़ पेज भर देंगे, तो आपको क्या होने वाला है कि आपको यहाँ से क्लियर, मतलब 200 वर्ड से बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बात की जाए, देखो ये पहला क्वेश्चन ही कंपनी का, देखो विविधीकरण के बारे में पूछ लिया, वही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपका पांच नंबर का फंसा है, देख लीजिए। विविधीकरण के बारे में मैंने पूछा था कि कंपनी के विविधीकरण और साथ ही साथ प्रविधीकरण और उसके दोष के बारे में, प्रविधीकरण आपका पूरा फंसा है, देख लीजिए। उसके बाद में नीचे जाते हैं, इसके कंपनी यहाँ बोला गया विभिन्न प्रकार की कंपनियों की विशेषताओं के बारे में। अब देखो कंपनी कौन कौन सी होती है, प्रकार मैंने बताए थे, एक निजी कंपनी, सहकारी कंपनी, इन दोनों कंपनियों की विशेषताओं के बारे में आपको बता देना है, पूरा क्वेश्चन फंसा है। ऊपर वाला ना चाहो तो ये नीचे वाला कर सकते हो, पांच नंबर का आपका फंसा है, ठीक है। अब इसके तीसरे वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ बोला गया है एक कंपनी के सदस्य से आप क्या समझते हैं, जो सदस्य होते हैं कंपनी के उससे क्या समझते हैं, और कौन सदस्य हो सकता है, क्या कंपनी के सदस्यों के लिए उनका अंशधारी होना सर्वदा आवश्यक है, ये क्वेश्चन बोला गया। यदि आप ये क्वेश्चन ना करना चाहते तो यहाँ बंधन क्या है, उनके प्रसार के बारे में पूछा गया है। तो ये मैं आपको बात करूं कि कंपनी के सदस्यता के बारे में, आप तो जानते हैं, जब कंपनी की परिभाषा पढ़ेंगे, उनके लक्षण पढ़ेंगे, उसका निर्माण कैसे होता है कंपनी का, मैंने आपको बताया था। तो जब कंपनी के निर्माण की बात की जाए, तो कोई निर्माण करेगा तो कोई तो क्या करेगा, उनके प्रवर्तक वगैरह होंगे, उनके निर्माणकर्ता होंगे, जो अंशधारी होंगे, जो पैसा जो लगाएगा कंपनी का निर्माण करेगा, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना था यहाँ, बाकी कुछ नहीं था। आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बना बना के कर सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और बात की जाए बंधक, तो बंधक के बारे में इंपोर्टेंट नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, देखो कंपनी द्वारा संचालक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, संचालक का आयोजन, देखो संचालक की नियुक्ति, पूरा क्वेश्चन आ गया कि जो कंपनी द्वारा जो संचालक होते हैं, ठीक है, संचालक मंडल की शक्ति के बारे में आपसे पूछा गया, और कंपनी के समापन के बारे में बताया गया हमने। तो ये क्वेश्चन पूरा देखो फंसा है यहाँ, बिल्कुल आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ माई जो मायवी था, एक मायवी विवरणी का, इसके बारे में पूछा क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो आप इस पूरा क्वेश्चन पांच नंबर का फंस चुका है, आप देख सकते हैं। यदि आप ये क्वेश्चन ना चाहें तो इसका नीचे वाला कर सकते हैं, जो प्रबंधन संचालक है उसकी परिभाषा के बारे में, ये प्रत्येक कंपनी के प्रबंध संचालक नियुक्ति करना आवश्यक होता है, ये पूरा क्वेश्चन पांच नंबर का फंसा है, आप ये कर सकते हैं। इसके अथवा वाला ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, आप देख लीजिए, वीडियो में आपको सारा दिखाई देगा। इसको बाद में देखो पांचवें क्वेश्चन की बात करें, कंपनी के कार्यवाही बोला गया, कंपनी के कार्यवाही जो प्रस्ताव होते हैं उनके संचालित होती है, ना कि सभा द्वारा, तो यहाँ बोला गया है, और साथ ही साथ उसकी विवेचना करने के लिए बोला गया। तो ये मैंने विकल्प आपको एक स्पष्ट करने के लिए नहीं दिया था, तो इसको छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ बात की जाए ये नीचे वाले क्वेश्चन की, एक कंपनी का वैधानिक सभा बुलाने के लिए क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन हाँ विषय सामग्री के बारे में जरूर बताया था कि इसके विषय सामग्री के बारे में पढ़ लेना, तो छोड़ दीजिए, इसको नहीं बताते। लेकिन यहाँ बात करें अंश, देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था, अंश जो अंश हस्ताक्षर और अंश संचरण के बारे में इंपोर्टेंट नहीं दिया था, लेकिन और सदस्यों की कंपनी ऐच्छिक समापन की नियुक्ति, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था कि जो कंपनी के जो नियुक्ति होती है, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया था कंपनी के समापन किस तरीके से होता है, विधि, पूरा क्वेश्चन फंसा था। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के समापन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसकी विधि के बारे में याद करके जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन पूरा फंसा है पांच नंबर का, आप देख सकते हैं। अब आपका केवल एक क्वेश्चन छूटा है, देख लीजिए एक क्वेश्चन छूटा है, देखिए कौन सा, चेक कर लेते हैं। छह क्वेश्चन थे, हमें पांच क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब यहां देखो एक क्वेश्चन ये फंस गया, ठीक है, पांचवें नंबर का, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया, तो छोड़ दीजिए, पूरा क्वेश्चन छूटा है। उसके बाद में देखो ये वाला फंस गया, ये वाला देख लीजिए, ये वाला पूरा फंसा है, ये वाला चौथा क्वेश्चन, तो ये दो क्वेश्चन फंस गए, ठीक है, दो हो गए। अब ये वाला देखो, ये वाला भी फंसा है, तीन तीन क्वेश्चन हो गए, तीन, ये तीन तीन तीन, और देखो इसका दूसरा वाला भी, ये तीन चार, चार क्वेश्चन फंस गए, और इसका चार चार क्वेश्चन, देखो एक और एक दो और एक तीन, ठीक है, तीन फंसा है और ये छूट गया, ये चार, हमारे चार क्वेश्चन फंसे हैं, चार इंटू पांच बराबर बीस, ठीक है,
पांच नंबर का, दस नंबर का था बेटा ये, दस नंबर का एक क्वेश्चन था। चालीस नंबर के आपके यहाँ हो गए, बारह नंबर हमारा अति लघु त्रिवर्षण था, लघु त्रिवर्षण चालीस नंबर के फंसे हमारे, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमसे दो क्वेश्चन करने के लिए बोला है, कोई दो क्वेश्चनों को आंसर देना है। अब देखिए यहां बोला गया दो प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न आपका कितना है नब्बे पांच सौ, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो पांच सौ वर्ड में देना होगा। लगभग में आपसे ढाई से तीन पेज भरने पड़ेंगे, मतलब कि एक पेज इस साइड से, फिर लौटोगे उस साइड से, फिर उसके बाद में एक दूसरा पेज इस साइड से, फिर एक साइड से, और आधा लगभग ढाई पेज आप भरोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ढाई से तीन पेज भर देना काम हो जाएगा, क्योंकि पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है तो तीन पेज तो भरने पड़ेंगे। और यहां कह रहा है 200 दो क्वेश्चन आपको करना है, तीस नंबर के हो जाते हैं। तो देखो यहाँ बोला गया, देखो कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, न्याय द्वारा कंपनी, ठीक है, और उसका निस्तार के अधिकार का कर्तव्य उनकी विवेचना करनी, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है पंद्रह नंबर का, देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कंपनी के समापन के अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा उनकी विधि के बारे में, पूरा क्वेश्चन फंसा है। वहीं बात की जाए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ कह रहा है एक कंपनी का जो संचालक का क्या अधिकार होता है, तो ये भी देखो कंपनी के संचालक के बारे में पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख लीजिए कंपनी के संचालक के बारे में पूरा क्वेश्चन आया है, वही देख लीजिए प्रबंधक संचालक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन फंसा है। और उनके देखो जो अधिनियम पूछे गए थे ना, कंपनी के अधिनियम से अधिकारियों का प्रभाव और कंपनी में संचालक होता है, तो देखो यहाँ जो अधिनियम के अधिकार के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पूरा दिया था। यदि आप ये करना ना चाहें तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि कंपनी के जो आधारशील शक्तियों के बारे में, तो कंपनी की जो शक्तियां थी कौन सी, कैसी शक्तियां थी कंपनी में, ठीक है, उन शक्तियों के बारे में, उनके दोष लक्षण के बारे में पूरा क्वेश्चन फंसा है। और साथ ही साथ कंपनी के आधार पर आपको ऋण देती है और तो उधार देने वाला कौन कौन से उपचार होते हैं, क्वेश्चन पूरा फंसा है, देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन फंस चुके हैं हमसे, दो ही क्वेश्चन पूछा था, दोनों क्वेश्चन मिल चुके हैं। दसवें क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये कैसा पूछा है, देखो बहुसंख्यक इस क्वेश्चन को मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें, पार्षद सीमा के नियम, ठीक है, कंपनी का चार्ट होता है, ये आपको कथन को स्पष्ट करना है, पार्षद सीमाओं के नियम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी क्वेश्चन आपका पूरा फंसा है, आप देख सकते हैं, ये भी आपका पंद्रह नंबर का फंसा है। तीन क्वेश्चन फंसे हैं, कोई आपको दो करना है, जो आपका दिल करे कर सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तीस नंबर यहाँ क्लियर हो जाते हैं, मतलब टोटल नंबर आपके जो होते हैं जो चालीस और बारह और तीस, मतलब कितने हो जाए सत्तर, और ये हो जाते हैं हमारे अस्सी और दो बयासी, ठीक है, बयासी नंबर हमारे क्लियर हो जाते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, कितने हो जाते हैं एक बार जोड़ देते हैं, सत्तर, हाँ सत्तर अस्सी और दो बयासी, बयासी नंबर हमारे क्लियर हो जाते हैं, मतलब कि बयासी परसेंट फंसा है, आप देख सकते हैं हम जो आपसे बोलते हैं वही उतने ही क्वेश्चन फंसते हैं, बड़े आराम से इन क्वेश्चनों कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको प्रूफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे रखा है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, अपने दोस्तों को बता देना कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ पेपर्स होने से पहले, आप उन क्वेश्चनों को याद करके चाहें अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।